हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। जो पुलिसकर्मी पर ही लगा चोरी का आरोप, जिन पर सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं ने कर ली पशु चोरी। खरगोदा में भैंस चोरी मामले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर व टेंट संचालक गिरफ्तार। पशु को लेने कोई नहीं आया तो बिगड़ गई दोनों की नियत। खरगोदा क्षेत्र की सैदपुर चौकी के गाँव सोहटी में पुलिस नाका लगा था, जिस पर एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर तैनात था, जहां पर एक पशु अस्पताल में लोगों ने दो भैंसों व दो कटड़ों को रोका हुआ था, जो रामपुर से आए हुए थे, जिनकी रामपुर में तलाश हो रही थी। देर रात तक जब उन पशुओं का मालिक पशु को लेने के लिए वहां पर नहीं पहुंचे, तो सोहटी गांव के एक युवक व स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नियत में खोट आ गया, जिन्होंने पशुओं को एक पिकअप में चढ़ाकर अपने रिश्तेदारी में साले के यहाँ दादरी में पशुओं को बेचने के लिए भिजवा दिया। यही नहीं, आरोपी के साले की कलानौर में पशु डेयरी है, जहां पर पशुओं को बेचा जाना था, लेकिन पहले ही उसका भेद खुल गया। रामपुर गांव निवासी पशुपालक बलवान को ग्रामीणों ने इस चोरी में सोहटी गांव में देर रात पुलिस नाके पर मौजूद एक SPO व वहां पर एक टेंट संचालक पर संदेह जताते हुए जानकारी दे दी, जिसके बाद बलवान ने SPO की लिखित शिकायत सैदपुर पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की व SPO ने कड़ी पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। पशुपालक के सभी पशु की बरामदगी करा के उसे पशु सौंप दी गई, जबकि दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से SPO सहित दोनों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सैदपुर पुलिस चौकी इंचार्ज रामचंद्र का कहना है कि SPO व एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप चालक से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये पशु चोरी के हैं। उसने 3500 रुपये में पशु को दादरी छोड़ने का शुल्क लिया था। सड़क दुर्घटना में 5 वर्षीय लड़की की मौत, पुलिस कर रही जांच। करीब 10 दिन पहले सिलाना RR ईट भट्ठे से काम करने के लिए आया था। रविवार को सिलाना गांव में स्थित RR ईट भट्ठे पर परिवार के साथ काम करने के लिए जा रहे थे। उसी समय किया सॉलिड गाड़ी ने उसकी 5 वर्षीय बेटी नेहा को टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया, जहां पर चिकित्सकों ने चोट के कारण उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की के पिता कमलेश ने मामले की शिकायत फरमाना पुलिस चौकी में दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रामपुर में अवैध पिस्तौल सहित युवक काबू। रामपुर कुंडल से गढ़ी निजामपुर मार्ग के पास सरकारी स्कूल के नज़दीक पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अवैध पिस्तौल लेकर घूम रहा है। पुलिस टीम ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। इसी जाँच के दौरान एक युवक की तलाशी ली गई तो युवक के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद हुआ। युवक की पहचान पुलिस ने रामपुर गांव निवासी सन्नी के रूप में दी है। इसी दौरान पुलिस को जेब से एक जिंदा रोंद कारतूस भी बरामद हुआ है। पर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। पशुपालकों को अपने चारा ले जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। 10 दिनों के अंदर सीवरेज मैनहोल को बना दिया जाएगा, मटिनो मार्ग वाले इस रास्ते को खुलवा जाएगा। इस दिशा में गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। वे खुद साइट पर जाकर कार्य की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। सुदेश कुमारी, SDO खरखोदा। मैं इसको कोशिश है पूरी 10 दिन के अंदर मतलब पूरा तैयार करवा दूँ, पूरी कोशिश है। अभी बोर करके 2 ट्यूबवेल उनसे चोहा तोड़ने लग रहे हैं, 15 फुट पे चला गया, 10 फुट और रहा है, वो 2 दिन में चोहा टूटते ही हम चिड़ाई करते हैं। वहाँ पे पीने के पानी की भी समस्या है, टैंकर भिजवा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उनको कह रखा मैंने, फोन कर दो मेरे को जिस टाइम पानी चाहिए उसी टाइम टैंकर पहुँचा। 600 मीटर में भावेश रही विजेता, 100 वर्षीय धर्मो देवी रही मुख्य अतिथि। बरूना में दौड़ एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को जाट मेहर सिंह स्टेडियम में करवाया गया। बरूना गांव यशवीर फौजी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार के दिन गांव बरूना के जाट मेहर सिंह स्टेडियम में दौड़ एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि 100 वर्षीय धर्मो देवी थी। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त महिला की उम्र 100 साल को पार कर चुकी है। इस कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर 14 35 किलोग्राम भार में पहले नंबर पर गाँव गुमर, दूसरे स्थान पर बरूना व तीसरे स्थान पर गांव बरोना चैंपियन रही। वहीं दौड़ 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता अंडर 12 में नवीन बरोना पहले, दूसरे स्थान पर चैतन्य गन्नौर, तीसरे स्थान पर आर्यन निलौठी रहे। 600 मीटर प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता अंडर 14 में पहले स्थान पर भावेश, दूसरे पर दक्ष बरोना, तीसरे स्थान पर प्रियांशु। दौड़ प्रतियोगिता में पहला इनाम 1100 रुपये, दूसरा इनाम 900 व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 700 रुपये नगद इनाम दिया गया। इस मौके पर आयोजक यशवीर फौजी ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, संस्कार से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं आशुतोष सरोवा, लीगल एडवाइजर FTEC और लोटस लाइब्रेरी का। लोटस लाइब्रेरी जो है FTEC की संस्था की संगीता सरोवा ने ओपन की है। लोटस लाइब्रेरी के साथ साथ FTEC संस्था को ये पिछले 20 साल से चला रहे हैं। FTEC की संचालिका संगीता सरोवा ने लोटस लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया है। लोटस लाइब्रेरी बस स्टैंड के सामने शास्त्री कॉलोनी में है। लोटस लाइब्रेरी जो है वो सारी सुविधाएं जो शहरी क्षेत्रों में मिलती है उनको यहाँ पे उपलब्ध कराती है।
लोटस लाइब्रेरी में किस प्रकार की सुविधाएं हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। विशेष तौर पे हमने इस तरीके से लाइब्रेरी का डिजाइन किया गया कि हर बच्चे को एक अलग स्पेस मिले, हर बच्चे के लिए अलग से सीट दी गई है, लाइट की व्यवस्था है, अलग से वाईफाई चैम्बर दिया गया है। उसके लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, हाई स्पीड वाईफाई हमने लगवाया है यहाँ पे। बच्चा मोबाइल से पढ़ता है, कई बार बच्चा टैब से पढ़ता है या लैपटॉप का प्रयोग करता है, तो हमने हर सीट पे बच्चे के लिए चार्जर का और बिजली के कनेक्शन का जो है फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एफटेक पिछले 20 साल से खरखोदा में काम कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे और जो कमज़ोर और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे वो आगे आकर अपने भविष्य को सुधार सके। कि लोटस लाइब्रेरी में भी हम उन बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे जो मध्यम और कमज़ोर वर्ग से आते हैं और फीस को पूरे तरीके से नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी में विशेष सुविधाएँ दी गई हैं, कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं, वो बच्चे आएँ और उन सुविधा का लाभ उठाएँ, उसमें हम आपका हर तरीके से सहयोग करेंगे जो हमारे से बन पड़ेगा। धन्यवाद। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।